गन्ना विकास परिषद गुलरिया के ग्राम पड़रिया तला में है और हमारे साथ में कृषक हैं, हमारे साथ में परिचय कराते हैं। अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा परिचय है राम प्रसाद मौर्य। राम प्रसाद मौर्य जी हैं। और ये कौन सी फसल है जिसमें आप लोग निराई बढ़ाई? ये कटीला की है। कटीला परवल? कटीला परवल। अच्छा, तो इसमें फल लगना शुरू है आपके? अब इस समय तो फल लगना शुरू हो गया है। इसकी बुआई कब किए थे? बुआई है चैत वैसाख में। चैत में होती हुई थी। तो इसके पहले इसमें क्या गेहूँ था? नहीं, गेहूँ था। अब इसे मान ले गेहूँ नहीं होता है तो खाली खेत पड़ा रहता है। खाली खेत पड़ा रहता है। अब गेहूँ काटने के बाद भी, गेहूँ काटने के बाद बुआई की अभी? हाँ, गेहूँ काटने के बाद ये जुताई उताई करके ये प्लाव लगा के ये मेड़ बना के कीचड़ बैठा लेते हैं। इसमें ये जो मेड़ बनाए हैं इसमें कैसे पलेवा बोते हैं क्या? नहीं, ये पलेवा होता है। ये लोहिया हाल दोनों तरफ से खींच के फिर दोनों तरफ बारी हो जाता है, इसके समान करके फिर जड़ लगाई जाती है। अच्छा, इसमें जड़ लगाते हैं? हाँ, जड़ लगाते हैं। कितनी दूरी पे? कम से कम 1 मीटर की दूरी। पौधा फैल जाता है, फिर एक कल्ला जब देगा। हाँ। उसके बाद जब एक एक हाथ का कल्ला होगा जी, उसके बाद ये पत्ती बिछाना शुरू कर देंगे। अच्छा, इसके बाद गन्ने की पत्ती बिछा देते हैं? पत्ती क्यों बिछाते हैं? यानी इसका जो ये कल्ला है सड़ने ना पाए। मिट्टी पर रहेगा तो सड़ जाएगा। सड़ जाएगा। ये पत्ती इसलिए बिछा देंगे कि पत्ती पे फैले। पत्ती पे फैले, जब पत्ती पे फैलेगा तो फल है जो इसमें लगेगा जमीन में नहीं। अच्छा, जो जमीन में नहीं लगेगा तो गंदा नहीं होगा, सड़ेगा नहीं। तो इसमें क्या लागत आती है इसका? जो 1 एकड़ में अगर आप लगा रहे हैं तो कितनी लागत आ जाती है? कितने पौधे लगा देते हैं 1 एकड़ में? तो पौधे घर पे तैयार करते हैं क्या पहले? नहीं, ये तो जंगल में मिलता है। तो जंगल से तोड़ के लाते हैं? जंगल से जड़ खोद के। अच्छा, और उसके फिर जड़ है ये काफी जिसे हमारे कम हो जाते हैं तो जंगल से लाई जाती है। बीज यहाँ घर पे नहीं रहता? बीज ये जो पका हुआ है इसके बीज मिलते हैं। अच्छा, ये जब सूख के रख लेंगे, जब बुआई करेंगे उसमें डाल देंगे जहाँ तहाँ। अच्छा, तैयार हो जाएगी। ये भी जम जाते हैं? हाँ, इसकी जड़ आ जाएगी। जंगे जी से ये है ये सूख के, फिर जब इसका समय आएगा। अच्छा, गेहूँ काटने के बाद बुआई के समय उसमें तो ये जब डाल देंगे इसमें पौधा निकल आएगा। निकल आएगा। तो इसमें आपकी लागत मतलब पौधे खरीद नहीं आपकी है? जंगल से तैयार करके लाए? जंगल से कुछ घटका तैयार हो जाता है। तैयार होता है तो जब रोपाई कर देते हैं इसके बाद इसमें क्या क्या कर सकते हैं? कौन कौन सी इसमें कार्य करते हैं? कार्य करते हैं जैसे एनपीके है वगैरह, पाउडर डालते हैं, खाद। एनपीके कितनी डालते हैं? 1 एकड़ में 1 बोरी। 1 एकड़ में 1 बोरी? एक बोरी कैसे छिटकवा देते हैं? क्या छिटकवा डाल देते हैं? छिटकवा डाल देते हैं। इसके बाद पानी भी लगना शुरू हो जाता है। पानी कितने देते हैं? पानी बस नाली में भरा रहता है। नाली में भर जाता है पानी दोनों तरफ से। पौधा क्या नाली किनारे ही बोया है क्या? ये लगा हुआ है जो ये वहाँ नाली से एक हाथ दूर पानी पा जाता है। पानी पा जाएगा, इधर जड़ पाया जाएगा, उधर पा जाएगा। पानी नाली नाली भर देना। नाली नाली बहुत कम पानी लगता होगा? बस कम लगता है। कितनी बार भरते हैं? मान लो जैसा तापमान अगर गर्म है, गर्मी ज्यादा है तो कम से कम हफ्ते में 1 बार तो जरूरी है। हफ्ते में 1 बार भर देते हैं तो फिर तुम्हें लगता है 7-8 पानी आपको देने पड़ते हैं। बारिश आ जाती है, बारिश होने के समय तो कम लागत हमें लगता है इसमें बहुत कम है आपकी? नहीं, तब भी लग जाता है। लेवल लग गए कोई, अब मान लो 5,000 के लेवल लग चुके हैं इसमें। निराई गुड़ाई कितनी बार किए हैं? अब ये तीसरी बार है। 5 बार तीसरी बार है 5,000 की आप निराई गुड़ाई कर दी। मेन खर्चा निराई गुड़ाई ही है। निराई गुड़ाई है। अच्छा, फसल जो आपकी निकलना शुरू है तो कितनी बार इसमें तोड़ाई करेंगे? कितनी फसल निकल आएगी लगभग? लमसम 1 बार अगर तोड़ाई हो जाए तो 10-15 हजार रुपए की हो जाएगी। 1 बार में कितना निकल आता है? 15-20 हजार हो जाएगी। 20 हजार की क्वांटिटी बताओ, कितने किलो? किलो? हाँ, किलो 50-60 किलो, 1 क्विंटल। अच्छा, 1 क्विंटल तक एक तोड़ाई में आ जाता है। कितनी तोड़ाई मिल जाती है आपको? हफ्ते में 2 बार। कितने महीने तक तोड़ेंगे? 5 महीने तक। तो 10 बार तोड़ेंगे? 10 बार दस बार तोड़ेंगे तो हफ्ते में 2 बार हुआ ना? हाँ, हफ्ते में 2 बार तो महीने में कितने? 8 बार। 8 बार और 5 महीने 40 बार तोड़ेंगे। 40 बार तोड़ेंगे और 50 किलो अगर 1 बार निकलता तो 20 क्विंटल निकल आएगा। 20 क्विंटल हो गया। रेट? 1 क्विंटल कीमत क्या है? ये मान ली 100 रुपए के 10,000 है। 10,000 तो 2 लाख का आपका निकल आएगा इसमें। निम्नम 2 लाख। न्यूनतम 2 लाख का 4 बीघे में निकल आएगा। लागत कितनी हो जाएगी? लागत मान लो 50-60 हजार। 50-60 हजार तक खर्चा आपका हो जाएगा। तब भी 1.5 लाख का फायदा है। 4-5 महीने में 4 बीघे में 1.5 लाख की इनकम ले लेते हैं तो ठीक, अच्छी फसल है। फसल है, मान लो 4-5 महीने फसल चलेगी। और ये कटीला परवल है जो सब्जी जिसकी बिकती रहती है बेहतरीन। ये कांटेदार परवल काफी पसंद किया जाता है, काफी लोग चाव खाते हैं। बाजार में कम मिलता है? बाजार में कम मिलता है। कम रहती है।
अब ये तोड़ के मंडी जाता है, मंडी से ऐसे करते हैं, कई गांवों में कई शहरों में जाता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा फिर मंडी तो यहाँ बिक्री कहाँ करते हैं? सीधे मंडी भेज देते हैं, मंडी भेज देते हैं मंडी से। हाँ लखीमपुर है, गोला है, लखीमपुर गोला, चलिए ये नजदीक है यहाँ पे। हाँ रेट अच्छा मिल रहा है, मान लो कोई अभी 80 बिकता है, कभी 100 बिकता है। अभी शुरुआत नहीं थी, 100 है, धीरे धीरे डाउन भी होता है। चलिए ठीक है भाई मोर्या जी, धन्यवाद। हेलो।